हेलो फ्रेंड, इस वीडियो को देखने से पहले आप अगर मैथ की, जीएस की और बहुत इम्पॉर्टेंट बुकों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जो इस समय ट्रेंडिंग में चल रही है, हर एक स्टूडेंट के पास वो बुक होती है, तो आप, मैंने इस चैनल पर ही वीडियो अपलोड कर दिया, आप उसे देख सकते हैं। चाहे जीएस की हो, मैथ की, रीजनिंग की, किसी की कोई बुक हो तो आप इस चैनल से देख सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस 13वां संस्करण है 2021 से 2022 का। ये हम भारतीय अर्थशास्त्र की बुक लेके आए हैं। आपको मैं पूरी बुक का फुल रिव्यू दूंगा। इसमें रमेश सिंह की है ये बुक, राइटर इसके रमेश सिंह है, एमसी पब्लिकेशन की है। ओरिजिनल बुक है क्योंकि इसमें मोहर लगी हुई है, एमसी पब्लिकेशन की, देख सकते हैं, तो मोहर लगी हुई है। अंदर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था सिविल सेवा विश्वविद्यालय में अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, मानी कि UPSC हो चाहे UPPCS हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट बुक है। आवश्यक नहीं कि UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय CGL में अब GS का वेटेज बढ़ा दिया गया है। GS मेंस में GS 60 नंबर की आ रही है, तो हमको कुछ अब हमको IAS की तरफ जाना पड़ेगा, IAS की किताबों की तरफ, क्योंकि जो मेंस में अबती बार GS आई थी, बहुत टॉप लेवल की GS आई थी मेंस में, देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था, रमेश सिंह। चलते हैं ऐसे कंटेंट की बात करते हैं, कौन कौन से विषय दिए गए, सब्जेक्ट विषय सूची यहाँ से सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए विषय दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। प्रारंभिक परीक्षा के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए बताते हैं ये दिए, GS पेपर 1, GS की उसके पेपर के बारे में बता रहे हैं, UPSC की पेपर क्या करते हैं, विषय सूची यहाँ से स्टार्ट होगी। अब देख सकते हैं परिचय दिया गया, पहला अर्थशास्त्र की परिभाषा दी गई है, ये सब दिए गए, प्रणाली दी गई है, राष्ट्रीय आय दी गई है, NDPU है, GNDPU, NNPU, राष्ट्रीय आय की लागत, या अध्याय 2 है ये, वृद्धि विकास एवं खुशहाली का है, देख सकते हैं। अध्याय 3 दिया गया, अध्याय 4, अध्याय 5 दिया गया, भारतीय नियोजन से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड ये सब दिए गए चैप, उसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये सब देख सकते हैं। अध्याय 6 दिया गया है, अध्याय 7 मुद्रा स्फीति में व्यापारी बहुत ज़्यादा आता है, CGL में भी इसके बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस वाले चैप्टर से, देख सकते हैं आप लोग। खंड बी है, खंड 8 में कृषि एवं खाद प्रबंधन, देख सकते हैं आप लोग। ये उद्योग में विनिर्माण रिलेटेड है, बहुत सारे टॉपिक है इसमें, देख सकते हैं आप लोग कितने सारे टॉपिक दिए गए हैं, कितने टॉपिक दिए गए हैं, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे टॉपिक दिए गए, 15, 16 देख सकते हैं, 16 हो गए यहाँ से, इसमें 18 अध्याय, यहाँ से आके कम से कम इसमें खंड बी में कितने अध्याय दिए गए, एक यहाँ से 19 से ख़त्म हुआ, यहाँ पर अध्याय 19 दिए गए इसमें, इसके बाद 20, 21 यहाँ से खंड एक आया है, खंड एक एक के बाद, ये चयनित मॉडल पेपर पे आता है, मॉडल पेपर, मॉडल उत्तर दिए गए, मैंने मॉडल आंसर यहाँ पर दिए गए, देख सकते हैं। भारतीय सामाजिक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए, मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ से चालू होते हैं, आपको ये पूरे कर लेना है, ये मैंने कि ये तो छोड़ने ही नहीं है, मैंने आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लें तो थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, पूछा गया चयनित बहुविकल्पी प्रश्न, इन्हें तो छोड़ना ही नहीं, इन्हें पूरा रट लेना है, ऐसा समझ लो, चयनित मॉडल उत्तर ये सब रट लेने, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपको दिखाएंगे। ये परिचय दिया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया है जी, निराश देख सकते हैं आपके बाद, अर्थव्यवस्था की समझ दी गई है, अर्थव्यवस्था की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, देख सकते हैं व्यष्टि एवं समष्टि के बारे में, समष्टि के बारे में बता रहा है, अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक एवं प्रकार, आर्थिक प्रणालियाँ दी गई, देख सकते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें मल्टीपल कलर को यूज किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। GNDP देख सकते हैं, देखिए समझाया गया, तो पूरी मोटी बुक है, देख सकते हैं आप कितने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर चलते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो इसका उस पर चलते हैं, उसको मैं पूरा फुल रिव्यू दूंगा उसका, जो बहुविकल्पी प्रश्न का है, जो सबके लिए यहाँ से दिए गए चयनित बहुविकल्पी प्रश्न, बस यही हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कितने सेट दिए गए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 5, सेट 6, कम से कम
छह सेट दिए गए इसमें। बाबा उठ जाओ, छह सेट दिए गए इसमें। देख सकते हैं आप लोग पूरी बुक कितने अच्छे तरीके से उन्होंने हमें डिटेल में दिया गया। तो डिटेल में पढ़ने की इतनी आदत नहीं क्योंकि हम IAS की तैयारी तो कर नहीं रहे, CGL की तैयारी करते हैं। जो IAS की तैयारी कर रहे हैं वो डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये देखिए शर्ट बन दिया गया है, यहाँ पर ये दिए गए उससे क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि अगली बार सुनने को मिला है कि जो CGL मेंस में क्वेश्चन आए थे वो थोड़ा IAS लेवल के क्वेश्चन ऐसे थे, जैसे कि उन्होंने दो दो ऑप्शन बना दिए हैं उसमें ए होगा या बी होगा ऐसे करके। जैसे इसमें क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन दे दिया, इसका नीचे दिए ये क्वेश्चन दिया गया, कोविड महामारी के उत्पन्न आर्थिक कठिनाइयों के कारण 2020 में यूनिफॉर्म की संख्या 28 बन गई। अब इसमें देखिए ऑप्शन कैसे, केवल ए, केवल दो, एक या दो, एक या दो, या एक होगा या दो होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए गए। तो बड़ा दिक्कत हुई इनको हल करने में। तो अगर इस लाइन से चलेंगे कि आप अभी पहले से ही तैयारी कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों की, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देख सकते हैं तीन क्वेश्चन आया हुआ है स्टैंडिंग का, देखते हैं आप लोग। देख सकते हैं इसका मैं फुल रिव्यू दूंगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का। देख सकते हैं सरकार हाल में घोषित, देख सकते हैं आप, ये है लेटर ऑफ द अंडर टेंडिंग प्रभावी राजस्व घाटा के बारे में दिया गया है। देख सकते हैं फार्म एम सब, देख सकते हैं नगद आरक्षित अनुमान के बारे में क्वेश्चन दिया गया। देख सकते हैं आप लोग, ये दिया गया यहाँ पे क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्टीकरण से जरा ध्यान से पढ़ना, ये स्पष्टीकरण मैंने उन जो हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आगे किए उनके आंसर यहाँ से दिए गए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिए गए। देखो पहले क्वेश्चन का आंसर ये, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का सी है, फाइव का ये, छः का डी है, ये सब दिए गए। सेट जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ कि सेट छः दिए गए, छः सेटों का हमको एक्सप्लेनेशन आपको देना है। देख सकते हैं डिटेल देने, देख सकते हैं ये वाला हमारा सेट टू आ गया। सेट टू यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, ये दिया गया है सेट टू के बारे में। देख सकते हैं आप लोग सेट टू ये दिया गया है। इस वीडियो को आपको देखने के बाद ये ना लगे कि हमारा टाइम बेकार हो गया इस वीडियो के देखने के कारण, क्योंकि आप मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं फुल करा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए, क्योंकि हम भी इन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन दिए गए, ये आंसर दिए गए। देख सकते हैं इस सेट थ्री आ गया, यहाँ से देख सकते हैं सेट थ्री आ गया। देख सकते हैं ये सब दिए गए। देख सकते हैं ये यहाँ से इसके आंसर दिए गए हैं, आंसर मैच करा लें आप लोग। आंसर दिए गए इसका, ये आंसर भी दिए गए, यहाँ से इसके आंसर ये दिए गए हैं। देख सकते हैं आप ये सेट फोर है, ये आंसर दिए गए सेट फोर। देख सकते हैं नाइन नंबर में क्वेश्चन दिया गया RBI के बारे में, RBI से रिलेटेड दिए गए ये सब। भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं, देख सकते हैं आप लोग। एक्स फैक्टर प्राइस के बारे में दिया गया है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये स्पष्टीकरण दिया गया है इस बुक में, स्पष्टीकरण वन का सी आंसर, टू का ए, थ्री का ए, फोर का डी है, फाइव का ए है, ये देख सकते हैं आप लोग सारे आंसर दिए गए हैं यहाँ पर से। यहाँ से लगा के नीचे तक 16 नंबर का आंसर सी है,
सकते हैं आप, ये 23 नंबर का आंसर डी है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो हम सेट 5 पे आ गए, बस एक सेट और बचा है, उसको भी जल्दी से करा देते। देख लीजिए आप लोग, ये क्वेश्चन दिए गए इसके बारे में, देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन दिए गए उसके, ये विकल्प भी दिए गए, ये दिए गए क्वेश्चन, उनके सॉल्यूशन दिए गए, यहाँ से एक्सप्लेनेशन चालू हो गया। 12 नंबर का सी आंसर है, देख सकते हैं आप लोग। नीचे वाला आप सकते देख सकते हैं, 21 का डी है, 20 का ए। अब लास्ट बचा हुआ है सेट 22 का, ये 24 का ए है, 25 का डी दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। सेट 6 है यहाँ पर, सेट 6 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है, पिछले वर्ष में पूछे गए, रिपोर्ट दी गई है, वहाँ से देख सकते। सत्रह नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 18 नंबर क्वेश्चन है, ये 20 है, 21 नंबर क्वेश्चन है। अब एक्सप्लेनेशन पर आ ही गए, बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन बचे हुए, थोड़े क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है। अगर आप 2-3 घंटे में चाहें तो 2-3 घंटे में सारे क्वेश्चन ख़त्म कर सकते हैं पढ़ के। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन छठवें नंबर का थोड़ा बड़ा दिया गया, 7वें नंबर का देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या दिया। एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ना, क्योंकि ये नहीं कि आपने क्वेश्चन देख लिया, ऑब्जेक्टिव का आंसर 8 दिया गया है तो आपने बस 8 देख लिया, उसे याद कर लिया, फन है। क्योंकि आपने डिटेल में तो कोई चीज़ पढ़ी नहीं, तो डिटेल यहाँ पर दी गई, पूरी बुक पढ़ें तो इतना तो टाइम है नहीं आपके पास कि आप पूरी बुक करें, क्योंकि आप आईएएस की तैयारी तो करना है। अगर आईएएस की तैयारी करें तो आप जरूर पढ़ सकते हैं पूरी बुक, तो आप डिटेल वाला जरूर इसका पढ़ें, क्योंकि इसको ज़रूर याद कर लें आप। इस प्रकार से समझें कि इस चीज़ को आपको रट लेना, मैंने एक परिभाषा टाइप में आपको समझ लेना, माइंड मैपिंग बना लेना कि माइंड में किस तरीके से समझा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 10 का डी है, 11 का ए, 12 का ये, 15 का डी नंबर, ये लास्ट में ये दिए गए इसके आंसर। 25 नंबर का ये दिएगा, 25 नंबर का ए आंसर दिएगा, चाइनीज मॉडल पेपर। ये तो आप लोगों के जरूरी नहीं है, ये तो आईएएस लोगों, आईएएस या पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ये तो आंसर राइटिंग के क्वेश्चन है। इसके फिर भी मैं रिव्यू कर देता हूँ, अगर कोई आईएएस वाला आईएएस एस्पिरेंट वीडियो को देखता है तो उसको भी लाभ हो जाए इस वीडियो से, टाइम ना बेकार जाए उसका भी। देख सकते हैं आप लोग, सरकार द्वारा हाल में ही जिला के बारे में दिया गया है, इसमें जिला के बारे में देख सकते हैं आप लोग, ये कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया, पूरी डेफिनेशन दी है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग पूरी डेफिनेशन दी है। दूसरा क्वेश्चन ये विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन के बारे में डिटेल में दिया गया, डिटेल में क्वेश्चन जो आंसर राइटिंग करने वाले हैं एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं आप ये वाला क्वेश्चन दिया गया, बस में एक लगा, एक थोड़ा सा हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन दिया यहाँ पर, ये लिख देते कि माने कब आईएएस वाले कौन से वाले सन में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये अगर लिख देते थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ जाता हमारा। तो सरकार की राज्य को स्वच्छ जनता के बारे में बताया गया है, तो ये देख सकते हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन दिया गया है, उसके बारे में समझाया गया है, देख सकते हैं ये क्वेश्चन दिया गया है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये देख सकते हैं आप, ये दिया गया है, 16 नंबर का विनिमेश प्राप्तियों का के इस्तेमाल के संबंध में दे दिया गया है, क्योंकि ये हमारे आंसर के लिए, आंसर राइटिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप पूरी बुक ना पढ़ें, आप अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बस आप इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कर लें, जब तक आपको बिल्कुल रट ना जाए ये क्वेश्चन, तब तक आप इनको लगाना ना बंद करें, आंसर राइटिंग पर डे करनी पड़ेगी, तभी सुधरती है। देखिए हालांकि ये भ्रष्टाचार से रिलेटेड है हमारा कुछ, और जबकि दूसरा क्वेश्चन ये है,
आपके दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन ये दिया गया है, ये सब ये दिया गया है। तीसरा नंबर नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है, नीति आयोग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, हमने एक पेपर देखा कई बार नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है आईएएस में, नीति आयोग देख सकते हैं आप। सरकार की लोक एवं परिसम संपत्तियों के व्यापक प्रबंधन की नीति मूलतः लोक उपक्रमों को व्यवसाय की तरह प्रचालित करने की को लक्षित है, तो विवेचना करें मैंने वर्णित करें एक्सप्लेन करें, तो उन्होंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप ये इसका क्वेश्चन दिया गया, देख सकते हैं ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया ये 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया ये 27 नंबर कोविड 19 से रिलेटेड है ये है ये 23 30 नंबर देख सकते हैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन आर्थिक सर्वेक्षण रिलेटेड 2021-2022 कर अच्छा ये होता है कि एक आपको हम मिस्ट्री की बात बताएं रहस्य की बात बताएं, जो हमारे टॉपर होते हैं आईएएस या पीसीएस में वो क्या करते हैं, जो बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। मैंने भी कई आईएएस या पीसीएस का इंटरव्यू देखा तो वो यही बताते हैं कि मैंने कि जो नितिन सिंघानिया की बुक है या रमेश सिंह की अर्थशास्त्र की या राज्य व्यवस्था की बुक है तो उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ये पूरे रट लेते हैं, और जो उसमें रिटन वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं वो वाले जो अभी मैंने कराए थे ये वाले भी वो पूरे रट लेते हैं, एक एक माइंड में बैठा लेते हैं, मैंने क्या इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, बिल्कुल एक डायग्राम ऐसा बना लेते हैं, मैंने एक स्टोरी ऐसी दिमाग में बना लेते हैं, ये पूरे लोग रट लेते हैं क्वेश्चन और फिर लोग टाप मार जाते हैं। हम लोग पूरी बुक में लगे रहते हैं, पूरा डिटेल ही याद करते रहे, डिटेल कभी याद होती नहीं है, चाहे कितनी भी डिटेल याद कर ले तो माइंड मैपिंग कर लेते हैं, स्टोरी ऐसी बना लेते हैं माइंड में एक बस वो लोग टाप फिर मारते हैं, देख सकते हैं इसका मैं पूरा रिव्यू दूंगा। आर्थिक सर्वेक्षण तो ये ऐप हुआ अपडेटेड देखना पड़ेगा, इसको देखने से कुछ नहीं होने का क्योंकि 2021-2020 से 2021 वाला आपको तो 22 वाला देखना है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन आए, थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ, देखिए जल्दी जल्दी से ये दिया गया, ये देख सकते हैं आप लोग ये दिया गया, ये यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया और कुछ तो बचा नहीं था, ये लास्ट में थोड़ा डेफिनेशन दी गई है, डेफिनेशन के बारे में, हाँ डेफिनेशन भी कभी कभी पूछ लेता है, डेफिनेशन के बारे में बंदर क्या क्या होता है, वित्तीय बाधा क्या होती है, ये हमारे सीजीएल वाले भी बार पेपर में आती है, कई बार देखा है तो डेफिनेशन भी हमसे पूछ लेता है, नीचे डेफिनेशन दे देगा ये वाले मैंने शब्द संग्रह ग्लोशरी ये वाला चैप्टर तो छोड़ना ही नहीं आपको, ये वाला भी आपको देख लेना पूरा पूरा, ये सकते हैं आप लोग दिया गया जल्दी जल्दी से दिखा देता हूँ आप लोगों को, ऐसे करके है ये पूरा वाला। लास्ट में चलते हैं इससे कौन कौन सी बुक आती है, इससे रिलेटेड कई सारी बुक आती है, देख सकते हैं माजिद हुसैन की आती है, भारत का भूगोल की आती है, भूगोल का ये आ गए महाराज महाराज आ गए कल कहे नहीं आए थे, सो गए थे एकदम पट्टे से उत्तर देता है, कोई और झूठ नहीं बोल पा रहे हो, कम से कम हमारी इज्जत रख लो। क्या है? कुछ नहीं, शादी है, भगाक लायो ना। हाँ। कुछ नहीं, शादी है, भगाक लायो ना। हाँ। अरे भगाक लायो तो क्या हुआ, प्यार किया कोई चोरी नहीं करी, अभी अभी हमने देखा तुमने चोरी भी करी है, मैंने इसे स्टॉपर उठाया कि नहीं, रख रख वापस रख। बेबी चोरी का है करती हो, चुट्टी हो का? नहीं बाबू, हम तो बस देख रहे थे। अरे देखना है तो हमको देखो ना। अरे तुमको तो हम देखे सत्ता जन्म एक टुक, बिना पलक झपकाए। अगर उन्हें बीच में तो एका मार दी गोली। ए बेबी इतना प्यार करती हूँ का? जानते ज्यादा। ऐसी आओ। अरे ये क्या? हमारी पुचकी। हमारी पुच
चुका। अरे नीचे उतरिए अपने सीट पे आइए सीधे। ये क्या मतलब एकदम अश्लीलता को लील लिया गया है। हद पार बत्तमीजी। मार खूंसा पिचका दूंगा तो उनको पुचकी पिचका हो जाएगा। शादी नहीं होने दूंगा। अरे हम तो चाहते हैं शादी ना होए। आज गोदिन बैठ रही कल का सरपा बैठ के मोती तो का कर ले हो। इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें इंडियन ज्योग्राफी है, इसमें इंडियन अवार्ड दोनों ज्योग्राफी दी गई हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है, किसकी है, सीलवंत सिंह की है। ये प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के बारे में दिया गया है। पूजम दलाल दहिया की है। ये भारतीय शासन की है, देख सकते हैं आप। सामान्य ज्ञान मंजूषा की है, सामान्य अध्ययन ये की है। और इनकी इसी पब्लिकेशन एमसी पब्लिकेशन की और ये बुक आती हैं, ये देख सकते हैं पूरा बुक का रिव्यू। बुक मिली कितने की देखते हैं हम। प्राइस कहाँ दिया गया, पहले इसका प्राइस देखते हैं। प्राइस शायद यहाँ नहीं दिया गया, इसका पीछे दिया गया होगा प्राइस। ये प्राइस यहाँ पर 715 लिखा हुआ, पर ये मुझे थोड़ा सस्ती मिली थी शायद। 715 नहीं, 500 के करीबन ये बुक पड़ी होगी मेरे को। आप लेना चाहते तो आप सेलर के पास चले जाएँ, मिल जाएगी। दुकान पे जाएंगे आप, शॉपिंग आप दुकान में जाएंगे तो आप मांग ले रमेश सिंह की हमें बुक दे दो अर्थशास्त्र की, तो दे दो। ये भी कह देना उससे एमसी पब्लिकेशन की चाहिए मुझे, एमसी हिल पब्लिकेशन की मेरे को बुक चाहिए। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और दूसरा भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इस बुक पे, आप देख सकते हैं राज्य व्यवस्था का, भारतीय राज्य व्यवस्था, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ इंपॉर्टेंट है। सीजीएल के लिए हो, चाहे वो आईएएस के लिए हो, चाहे पीसीएस के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर राइटिंग तो हमारी यूपी पीसीएस आईएएस के लिए होती है, वो वाले इंपॉर्टेंट। और कुछ शब्दावली लास्ट में दी होती है। बस ये तीन चैप्टर हैं जो हर एक बुक में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहिए चाहे हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक हो, चाहे भारतीय अर्थशास्त्र की बुक हो। पूरा बुक नहीं पढ़ने हैं, बस यही तीन चैप्टर इंपॉर्टेंट है बस इस वाली बुक का। इसका मैं रिव्यू दे चुका हूँ, इस वाली बुक का मैं रिव्यू दूंगा अगले वाले पार्ट में।